ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। आज सुबह सुबह दिल्ली के कई बड़े नामी स्कूलों को एक मेल मिलता है जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। आनन फानन में पुलिस सघन तलाशी अभियान चलाती है और उसके बाद किसी स्कूल में कुछ भी नहीं मिलता। लिहाजा पुलिस ये कहती है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, एहतियात से काम लिया जा रहा है और जिसने भी ये धमकी दी है उसकी धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खास बात दिल्ली पुलिस ने ये कही कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। तो मैं भी अपने इस वीडियो से ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है, केवल सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। घबराने की जरूरत क्यों नहीं है? अभी तक जितने भी स्कूलों को मेल भेजा गया, स्कूलों में कुछ नहीं मिला और हालांकि सभी पेरेंट्स अभिभावक कुछ डरे भी और कुछ परेशान भी हुए कि स्कूलों ने उन्हें उनके बच्चों को वापस लौटा दिया। कई स्कूलों में तो बाकायदा एग्जाम्स भी चल रहे थे और वहाँ से उनको वापस लौटाया गया। बहुत सारे पेरेंट्स थे, उनके मोबाइल पर मैसेज आता है कि वो बच्चे को आकर के ले जाएं। तो आप सोचिए कि पेरेंट्स के दिल पर क्या बीती होगी, कितना अफरा तफरी का माहौल पूरे दिल्ली NCR में हुआ होगा और उन स्कूलों में हुआ होगा जिन स्कूलों में इस तरह के धमकी भरे मेल आए और उस मेल के बाद में पेरेंट्स को इस तरह के मैसेज आए। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ये सभी की सभी धमकियाँ केवल जो बड़े और नामचीन प्राइवेट स्कूल हैं उनको ही क्यों मिल रही हैं। किसी भी सरकारी स्कूल को इस तरह की कोई भी धमकी मिली, इस तरह की सूचना मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं है, ना पुलिस की तरफ से कहा गया। जबकि सरकारी स्कूलों की संख्या पब्लिक स्कूलों से किसी भी तरीके से कम नहीं है, चाहे वो MCD के स्कूल हों, चाहे वो दिल्ली सरकार के स्कूल हों, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी के स्कूल हैं। केवल और केवल बड़े और नामी प्राइवेट स्कूलों को ही इस तरह की धमकी भरे मेल भेजे गए हैं और बहुत सघन तलाशी अभियान चला लेकिन मिला कुछ नहीं। तो क्या हमें शांति से ये मान करके बैठ जाना चाहिए कि किसी शरारती तत्व की ये करतूत होगी? नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ, पुलिस कानून व्यवस्था किसी भी इस तरह की हरकत को नॉर्मली नहीं ले सकती, उसको उसे गंभीरता से और संजीदगी से लेना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी शरारती तत्व की करतूत हो या फिर सचमुच में कोई बहुत बड़ी योजना या बहुत बड़ी प्लानिंग। अब सवाल आता है कि किसी शरारती तत्व की करतूत है तो फिर वो केवल और केवल प्राइवेट स्कूलों को ही क्यों निशाना बना रहा है? किसी सरकारी स्कूल में इस तरह की मेल क्यों नहीं आ रही है? तो जनाब, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी बड़े सरकारी स्कूलों के तमाम जो मेल IDs हैं वो नेट पर इजी उपलब्ध हैं, लिहाजा और न केवल उपलब्ध हैं, उन तमाम मेल को बकायदा रूटीन में चेक करने की जिम्मेदारी भी स्टाफ की होती है। सुबह सबसे पहले जैसे स्कूल का स्टाफ स्कूल में आता है, अपनी मेल चेक करता है और यही हुआ, और मेल चेक करने के दौरान उन्हें इस तरह के धमकी भरे मेल आए तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बहुत सतर्कता दिखाते हुए सघन तलाशी अभियान चलाया। लेकिन किसी सरकारी स्कूल में मेल भेजने की या तो ज़रूरत नहीं महसूस की गई या फिर उन्हें यकीन था कि सरकार का जो ढीला ढाला रवैया है वहाँ पर मेल भेजने का कोई तुक है नहीं, ना वो मेल चेक करेंगे और ना वो इतनी अफरा तफरी मचाएंगे। क्योंकि शिक्षित संपन्न तबके के जो लोग होते हैं वो हर तरह की, चाहे वो धमकी हो, चाहे सलाह हो, चाहे सुझाव हो, उसको बड़ी संजीदगी से लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं। तो लिहाजा केवल उन्हीं को मेल भेजा गया। अब बड़ा सवाल ये आता है कि क्यों केवल उन बड़े नामचीन स्कूलों को ही इस तरह के मेल भेजे गए? तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सोशल मीडिया पर आने वाले तमाम जो चिट्ठियां हैं, मेल हैं, उनको जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बड़ी गंभीरता से लेते हैं और किसी भी बात को हल्के में वो नहीं लेते हैं। इस बात को भी उन्होंने नहीं लिया और पुलिस को खबर किया। दूसरी बात, अब क्योंकि मौका चुनावों का है तो क्या ये ध्यान भटकाने की साजिश है? क्या यह दिल्ली में एक डर का माहौल बनाने की साजिश है? यदि है तो किसकी? क्योंकि
एक साथ 50 लोगों को मेल भेजा जाना और अचानक इस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो जाना, और उस मेल की भाषा आप समझिए, मैं आपको उस मेल की जो भाषा है उस पर आपका ध्यान दिलाना मैं चाहूँगा, जिसमें इस ईमेल में लिखा है कि हमारे हाथों में लोहा है जो दिल को सुकून देता है, हम इन्हें हवा में उड़ाकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम तुम्हारे गर्दन और चेहरे के चीथड़े उड़ा देंगे, अल्लाह की मर्जी हुई तो हम आग के लपटों में भेज देंगे जिससे तुम्हारा दम घुट जाएगा, काफिरों के लिए जन्नुम में अलग आग है, काफिर तुम इसी आग में जलोगे, सब धुआं धुआं हो जाएगा। जो ये मेल की भाषा है ये क्या कहती है, किस तरह का इशारा करती है कि जो जो दिल्ली एनसीआर का जो माहौल है, जब जब चुनाव होता है आपने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि किस तरीके से पूरी दिल्ली में तनाव जैसा माहौल हो गया, और अब जब मौका लोकसभा चुनाव का है और देश में बहुत बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, और ऐसे में इस तरह का मेल आ जाना क्या इस ओर इशारा नहीं करता कि ये करतूत किसी खुरापाती की नहीं, कोई बहुत बड़ी एक सुनियोजित सियासी साजिश का भी हिस्सा हो सकती है। एक अलग पहलू और भी है, क्योंकि ये मेल पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी कई स्कूलों को मेल आ चुके थे, बार बार इस तरह का मेल भेजना और उसके बाद उस मेल में मेल के बाद जो जांच होती है उसमें उसका कुछ भी ना निकलना, तो क्या ये भी किसी बड़ी ऐसी सचमुच में ऐसे किसी जिहादी मानसिकता वाले संगठन के करतूत तो नहीं है जो लगातार मेल भेजता है, केवल उन्हें धमकियां देता है, धमकियों के बाद एकदम माहौल बदलता है, पुलिस तलाशी लेती है, जांच में जुट जाती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। और अगर इस तरह की धमकियां बार बार मिलती रहें और वो केवल कोरी अफवाह साबित होती रहे तो क्या हमारी एजेंसियां ढीली नहीं पड़ जाएंगी, क्या स्कूल के जो लोग हैं वो इसे केवल कोरी अफवाह मान करके इसे अन्यथा में तो नहीं ले लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सचमुच में वो किसी बड़ी योजना को अंजाम दे सकता है। तो लिहाजा बेशक चाहिए कोरी अफवाह है, बेशक ये किसी शरारती तत्व की शरारत है या फिर कोई सियासी साजिश, मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के मेल को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, बिल्कुल लिया जाना चाहिए, चाहे 1000 बार ऐसे मेल आए, हर मेल को गंभीरता से लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं बात सच हुई तो हम फिर उस दिन को कोसेंगे, उस दिन को पछताएंगे कि हमने उस मेल को गंभीरता से नहीं लिया। और गंभीरता से लेना इसलिए भी ज़रूरी है, चाहे देश के किसी भी हिस्से में ये मेल भेजने वाला छुपा बैठा हो, चाहे वो शरारती तत्व हो, चाहे वो शरारती संगठन हो, या वो जिहादी मानसिकता वाला जिसका जिक्र इसमें किया गया है, चाहे वो लोग हों, उसे तुरंत पाताल से भी ढूंढ निकालना बहुत ज़रूरी है और सख्त सजा देना बहुत ज़रूरी है। कानून अपना काम करेगा लेकिन हमें भी अपना काम करना है, और हमारा काम क्या है, हमें समझदारी से काम लेना है, संयम से काम लेना है, सावधानी से काम लेना है, न हमें किसी की धमकियों को नज़रअंदाज करना है, न हमें किसी की धमकियों से डरना है, और न हमें ऐसे मेल को मान करके कि ये किसी ज्यादा मानसिकता वाले आदमी की करतूत होगी, हमें हमारे देश का हमारे दिल्ली का माहौल नहीं बिगड़ने देना है। तो शुक्र है कि बात केवल परेशानी तक ही सीमित रही, कोई इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह की कोई इस तरह का कोई बम या कोई सामग्री यहाँ पे नहीं पाई गई, खूब तलाशी लेने के बावजूद भी। लेकिन बड़ा सवाल कि इस दौरान ही इस तरह की धमकियाँ क्यों, ये सवाल बड़ा गंभीर, आप जरूर सोचिए कि किसकी ये साजिश हो सकती है, किसी शरारती तत्व की या शरारती संगठन की। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।